अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। तो आज मैं सब्जी बनाने लगी हूँ। सब्जी है आलू और मटर की। तो आधा किलो मेरे पास मटर है और जो है आधा किलो ही आलू है। तो मैंने चूल्हा जला लिया, हांडी ऊपर रखी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डालते हैं ऑयल। ये देखे मैं इतना ऑयल डाल रही हूँ। तो जैसे ही गर्म हो जाता है, मैंने मसाला पीस के रख लिया है, तो मैं इसमें डालती हूँ, वो आपको बता दूंगी। बस ये देखे इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है और पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, एक प्याज डाला है और एक बड़ा टमाटर डाला है, नमक डाला है। तो इसको मैंने जग में डाल के ग्राइंड कर लिया। तो अब मैं इसको, ऑयल गर्म हो गया, तो अब मैं ये सारा मसाला जो है इसमें डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून ज़ीरा भी डाला है। तो ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार जो है ये सालन बनेगा इंशाल्लाह। तो आप भी ट्राई करें। और ये रोज़मर्रा घर में जो सब्जियां बनती हैं वो है, तो ये जो नए सीखने वाले हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां जो है इस तरह का सालन वगैरह बनाना सीखें और उसके बाद जो है बड़े खाने सीखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी कोशिश जो है आपको अच्छी लगेगी। देखें मसाला जो है भुनने के करीब है और ये छोड़ है। तो मैं एक दफ़ा मसाले फिर आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें नमक डाला है टी स्पून और ज़ीरा डाला है हाफ टी स्पून और कुटा हुआ धनिया डाला है हाफ टी एक टी स्पून और मिर्चें हैं भर के टी स्पून और तकरीबन ये आधा किलो मेरे पास मटर थे और आधा किलो ही आलू है। तो ये एक प्याज डाला है, अदरक डाला है छोटा टुकड़ा और हरी मिर्च डाली है तीन अदरक और उन सबको ग्राइंड करके जो है वो मसाला बना रही है। तो मैं हमेशा वो जो है दिखाती हूँ आपको, आज ज़रा मुझे जल्दी थी तो मैंने कहा कि चले मैं वैसे बता दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ये सब्ज़ी डाल रही हूँ। तो ये सब्ज़ी बनाने का जो है, ये मौसमी सब्ज़ियाँ ये खानी चाहिए और ख़ासकर मैं बेटियों के लिए जो अभी शुरू कर रही हैं खाना पकाना, तो उनके लिए ये रोज़मर्रा का सालन जो होता है ये मैं उनके लिए सिखा रही हूँ, मैं उनके नाम करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो खुश होंगी और खुशी से सीखेंगी भी, बनाएंगी अपने घर वालों के लिए। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी डाल ली है, तो अब मैं इसे ज़रा भून रही हूँ। तो इसको ज़्यादा भूनना नहीं, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि मसाला जब अच्छी तरह भून लेते हैं तो फिर सब्ज़ी को वैसे भी इतना नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि वो जो इसमें गज़ाइत होती है वो फिर भूनने से ज़रा सही नहीं रहती। तो मैं थोड़ा सा ही भूनूंगी, तो फिर मैं पानी डालूँगी। देखें बस तकरीबन मैंने 2 मिनट इसे जो है ना मसाले के साथ भूना है। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ये पानी 2.5 गिलास है। तो मैं डालती, ये भर के नहीं मैंने डाला, थोड़ा डाला। तो अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए मैं धनिया डाल रही हूँ और सब्जी जो है तैयार हो गई। और मैं गरम मसाला मिक्स जो है वो मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। ये देखिए मैं डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। आज की रेसिपी तैयार है
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और नए पकाने वालों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत आसान सी है, तो आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।